भारत देश विविधताओं एवं हर प्रकार के सौंदर्य से परिपूर्ण है, जहां दो कोस में बदले पानी और चार कोस में वाणी। ऐसे विविधताओं से भरे देश को यदि कुछ एक करता है तो वो है भारतवर्ष की नींव रखने वाला सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म। इनके पवित्र ग्रंथ जिनमें वेद और उपनिषद प्रमुख आते हैं, जिसमें जीवन की लगभग सभी समस्याओं का बड़ा ही सरल निवारण लिखा गया है। कई सवालों के इसमें जवाब ऐसे होते हैं जिसे सुलझाने में आधुनिक विज्ञान के भी पसीने छूटने लगते हैं। इसी सनातन धर्म के आत्मा माने जाने वाले वेद और उपनिषदों की तरफ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से कई लोग आकर्षित हुए हैं, जिसमें हॉलीवुड के कुछ जानी मानी हस्तियां भी आती हैं। कई हस्तियां तो ऐसी भी हैं जिन्हें सनातन धर्म की महिमा ऐसी भाई है कि वो उसी पंथ में अब परिवर्तित होकर सनातन धर्म की महिमा का प्रचार प्रसार करते फिरते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख हस्तियों के बारे में जो सनातन धर्म के वेद और वैदिक रीतियों के प्रति आकर्षित हुए हैं। ह्यू जैकमैन। ह्यू जैकमैन को कौन नहीं जानता। एक्समैन में वुल्वरीन के तौर पर प्रख्यात ह्यू जैकमैन काफी समय से सनातन धर्म के प्रति आकर्षित रहे हैं। विनियमित रूप से वेदों एवं उपनिषदों का गहन अध्ययन करते हैं। साल 2014 में आयोजित ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के रॉक कॉन्सर्ट में उन्होंने पीएम मोदी के साथ न केवल मंच साझा किया बल्कि उनके व्यक्तित्व एवं भारतीयता की प्रशंसा भी की थी। साल 2014 में दिए एक इंटरव्यू के अनुसार, हम जिन ग्रंथों का पालन करते हैं वे पश्चिम और पूर्व के बीच का मिश्रण है, और सुकरात से लेकर उपनिषद तक, भागवत गीता से लेकर अलग अलग धर्म के ग्रंथों की गहराई में गया है। मुझे चर्च में ले जाया गया था, मेरे दिमाग में उठे प्रश्न मुझे परेशान करने लगे, तब मुझे कुछ ही जवाब मिला, मगर जैसे ही मैंने वैदिक विचारों, ग्रंथों और तथ्यों को खोजा तब मुझे सब जवाब मिल गया और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो पाया। तो इससे साफ है कि ह्यू जैकमैन के लिए संस्कृत मंत्र जपना या सनातन धर्म का महिमा मंडन करना केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शांति एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा समान है। जूलिया रॉबर्ट्स। प्रेटी वुमेन और एरिन ब्रोकोविच जैसे फिल्मों के लिए प्रसिद्ध जूलिया रॉबर्ट्स की माँ कैथोलिक एवं पिता बैप्टिस्ट थे। काफी कठिनाइयों में अपना बचपन व्यतीत करने के बावजूद जूलिया रॉबर्ट्स ने कभी हार नहीं मानी। छोटे छोटे रोल से शुरुआत करते हुए जूलिया जल्द ही हॉलीवुड के शीर्ष अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। हालांकि साल 2010 में प्रचलित पुस्तक ईट प्रे लव पर आधारित फिल्म के सिलसिले में जब जूलिया भारत आई तब वो प्रसिद्ध धर्मगुरु नीम करोली बाबा आश्रम में गई थी, जहाँ उनके जीवन में कई बड़े सकारात्मक बदलाव आए, जहाँ उन्हें एक अद्भुत शांति का आभास हुआ। नीम करोली बाबा के सिद्धांतों की खोज करते करते जल्द ही जूलिया रॉबर्ट्स सनातन धर्म में सम्मिलित हुईं। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध मैगजीन एले ने की जब उन्होंने जूलिया के साथ हुए एक इंटरव्यू के बारे में लिखा, संपूर्ण रॉबर्ट्स मॉडर्न परिवार मंदिर जाकर प्रार्थना करता है, मंत्र जपता है और जीवन के उत्सव मनाता है। इस मायने में निस्संदेह एक सच्चे हिंदू कहलाई जा सकती है। यही नहीं, सनातन धर्म में सम्मिलित होने के पश्चात उन्होंने अपने बच्चों का हिंदू नामकरण भी करवाया। जहां उनकी पुत्री हेजल का नाम लक्ष्मी रखवाया तो वहीं अपने दोनों पुत्रों फियनेस और हेनरी के नाम गणेश एवं कृष्ण बलराम रखे। एलिजाबेथ गिलबर्ट। जिस पुस्तक पर बनी फिल्म के जरिए जूलिया रॉबर्ट्स सनातन धर्म अपनाने को प्रेरित हुई थी, उसी पुस्तक की लेखिका ने भी सनातन धर्म के महत्व को समझा बल्कि उसमें सम्मिलित भी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईट प्रे लव की लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट की, जिनकी जीवन यात्रा पर ही ईट प्रे लव आधारित है। जन्म से ऑर्थोडॉक्स ईसाई रही एलिजाबेथ ने जब भारत, इटली और इंडोनेशिया की यात्रा की तो वे सनातन धर्म से विशेषकर प्रभावित रहीं। कई लोगों का यह भी मानना है कि एलिजाबेथ ने अपने भारत यात्रा के दौरान ही सनातन धर्म को अपना लिया था। रसेल ब्रांड। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ता है, मशहूर कॉमेडियन और एक्टर का रसेल ब्रांड। महर्षि महेश योगी के प्रचलित भावातीत ध्यान लगाने की प्रक्रिया के प्रखर समर्थक में शुमार रसेल ब्रांड ने कई वर्षों पहले ही सनातन धर्म को अपना लिया था। यही नहीं, साल 2010 में राजस्थान आकर अपनी पत्नी प्रख्यात हॉलीवुड गायिका कैटी पेरी के साथ हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी भी की थी। जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन का नाम यदि आपने नहीं सुना है तो आप किस लोक में हैं? सुप्रसिद्ध रॉक बैंड द बीटल्स ने जब 1960 के दशक में भारत दौरा किया था तब वे कुछ समय के लिए ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में रुके थे। वहां बैंड समूह ने लगभग 48 गीत लिखे, लेकिन बैंड के गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन सनातन धर्म की महिमा से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे और उन्होंने महेश योगी जी की देखरेख में सनातन धर्म को ही अपना लिया एवं प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर के साथ कई बार जुगलबंदी भी की।
जेडी सालिंगर। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कैचर इन द राय के रचयिता जेडी सालिंगर भी उन प्रचलित हस्तियों में शुमार हैं जो सनातन धर्म एवं वेद वेदांतों के प्रति काफी आकर्षित रहे हैं। यूं तो मूल रूप से जेडी सालिंगर यहूदी धर्म से वास्ता रखते हैं, लेकिन वे जीवन भर अन्य धर्मों एवं उनके सिद्धांतों के प्रति भी समान रूप से आकर्षित रहे हैं। जेडी सालिंगर को अगर किसी पंथ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है सनातन धर्म। कई बार अपने पुस्तकों में उन्होंने वैदिक उदाहरण भी दिए हैं और असल जीवन में भी ये स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित एवं प्रेरित भी रहे हैं। कालपेन द नेमसेक एवं हेरोल्ड एंड कुमार से सुर्खियों में आए भारतीय मूल के अमेरिकी अभिनेता कालपेन भी सनातन धर्म के गहन अनुयायी रहे हैं। दरअसल इनका पूरा नाम कल्पेन सुरेश मोदी है और इनके परिवार के पूर्वजों ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ गुजरात में कई आंदोलनों में भाग भी लिया है। यही नहीं, ये यूएस की संसद में बतौर डेमोक्रेट प्रतिनिधि हिस्सा भी ले चुके हैं। जॉन कॉल्ट्रेन प्रसिद्ध ट्रम्पेट वादक जॉन कॉल्ट्रेन यूं तो ईसाई परिवेश में पले बढ़े हैं, परंतु उन्होंने बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म का भी गहन अध्ययन किया है। कहा जाता है कि अपने अंत समय में अपने लीवर कैंसर के निवारण के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया था। ये धर्मगुरु सत्य साई बाबा के अनुयायी भी रहे हैं और इनकी धर्म पत्नी ने सनातन धर्म में परिवर्तित होने के बाद अपना नाम तुरिया संगीता नंद रखा था। जेरी गार्सिया प्रसिद्ध गिटार वादक जेरी गार्सिया अपने पूरे जीवन में अधिकांश समय सनातन धर्म के अनुयायी रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि जब उनकी 1995 में मृत्यु हुई तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां ऋषिकेश में स्थित गंगा नदी में प्रवाहित की गई थी। रवि कॉल्ट्रेन ट्रम्पेट वादक जॉन कॉल्ट्रेन के बेटे रवि कॉल्ट्रेन भी अपने पिता की तरह ही सनातन धर्म के अनुयायी हैं। रोचक बात तो ये है कि उनका नाम उनके पिता ने प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर से प्रभावित होकर रखा था। जहां एक तरफ हमारे देश के कथित बुद्धिजीवी सनातन धर्म का उपहास उड़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, तो वहीं ह्यू जैकमैन, जूलिया रॉबर्ट्स, रवि कॉल्ट्रेन जैसे प्रख्यात हस्तियों ने सनातन धर्म एवं उसके पवित्र ग्रंथों के महत्व को न सिर्फ समझा बल्कि उसका अपने जीवन में अनुसरण भी किया। हम आशा करते हैं कि इन सभी के निर्णय से प्रेरित होकर हमारे देशवासी भी सनातन धर्म के पुनरुत्थान में अपना उचित योगदान दें।